थाने की हालत जर्जर और पुलिस बेहाल है। ये हम नहीं कह रहे, ये आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें बयां कर रही है। ये तस्वीरें हैं भोजपुर के कृष्णगढ़ थाने की, जहां लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी ही प्रकृति के आगे विवश हैं। ये तस्वीरें हैं भोजपुर के कृष्णगढ़ थाने की, जहां लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी प्रकृति के आगे विवश हैं। हल्की बारिश होते ही इस थाने के पुलिसकर्मी बेहाल हो जाते हैं और पंगु बन खुद ही सुरक्षा में लग जाते हैं। ऐसे में यह सोचा जा सकता है कि जो पुलिसकर्मी लोगों की सुरक्षा के लिए दिन भर अपनी ड्यूटी निभाते हैं, उन्हें सरकार द्वारा कैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। बारिश के दिनों में कृष्णगढ़ थाने के मुख्य भवन से पानी तो टपकता ही, वहीं सिपाहियों के लिए बनाए गए बैरक के छत से पानी आने के कारण उन्हें रात भर बैठकर गुजारना पड़ता है। थाने के पुलिसकर्मियों की माने तो बारिश में पुलिसकर्मियों को तो परेशानी होती ही है, वहीं जरूरी कागजात भी बर्बाद हो जाते हैं। इसके अलावा किचन में भी पानी जमा हो जाने के कारण उन्हें बिना भोजन किए रहना पड़ता है। इधर भोजपुर एसपी की माने तो थाने के लिए जमीन की पहचान हो गई है, जहां जल्द ही पुलिस भवन का निर्माण शुरू किया जाएगा। ये तस्वीरें हैं भोजपुर के कृष्णगढ़ थाने की, जहां लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी प्रकृति के आगे विवश हैं। हल्की बारिश होते ही इस थाने के पुलिसकर्मी बेहाल हो जाते हैं और पंगु बन खुद ही सुरक्षा में लग जाते हैं। ऐसे में यह सोचा जा सकता है कि जो पुलिसकर्मी लोगों की सुरक्षा के लिए दिन भर अपनी ड्यूटी निभाते हैं, उन्हें सरकार द्वारा कैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। बारिश के दिनों में कृष्णगढ़ थाने के मुख्य भवन से पानी तो टपकता ही, वहीं सिपाहियों के लिए बनाए गए बैरक के छत से पानी आने के कारण उन्हें रात भर बैठकर गुजारना पड़ता है। थाने के पुलिसकर्मियों की माने तो बारिश में पुलिसकर्मियों को तो परेशानी होती ही है, वहीं जरूरी कागजात भी बर्बाद हो जाते हैं। इसके अलावा किचन में भी पानी जमा हो जाने के कारण उन्हें बिना भोजन किए रहना पड़ता है। इधर भोजपुर एसपी की माने तो थाने के लिए जमीन की पहचान हो गई है, जहां जल्द ही पुलिस भवन का निर्माण शुरू किया जाएगा।